आपने सुनी यह दास्तान, यह दर्शा रहा है कि हम किस विकास के पड़ाव में हैं। ये दोनों महिला पुरुष अपनी बदकिस्मती पर रो रहे हैं। फिरोज, जिनकी छोटी सी बेटी लाडली इस छोटी उम्र में ही हार्ट डिजीज से पीड़ित है। सेक्टर 9 हटिया मोड़ का यह झोपड़पट्टी वाला इलाका है। एक गरीब परिवार झोपड़ी में रहकर किसी तरह अपना गुजर बसर करता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। इस गरीब परिवार की आंखों की नूर इनकी बेटी लाडली दूसरे बच्चों की तरह चहकती फुदकती रहती है, पर यह खुशियों का आलम ज्यादा देर साथ नहीं चलता। अचानक से ऐसा लगता है मानो इस गरीब परिवार के लिए कोई कयामत आया हो। फिरोज की बेटी लाडली बीमार रहने लगती है। बीमारी के इलाज के क्रम में जब लाडली के अम्मी अब्बू को पता चलता है कि उनकी लाडली हृदय रोग यानी हार्ट पेशेंट है, तो जैसे इनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। इस मुफलिस परिवार के लिए यह बड़ी बीमारी, जिसके इलाज में लाखों रुपये खर्च आते हैं, के लिए यह एक ऐसा इम्तिहान था जो इन्हें इम्तिहान से पहले ही असफल करार दे रहा था। फिरोज और उनकी बेगम समझ नहीं पा रहे थे कि वे कैसे अपनी लाडली को बचा पाएंगे। सब कुछ करके देख लिया था, पर मददगार उन्हें न मिल पाया। थोड़ा बहुत जरूर इधर उधर से सहयोग मिला, पर वह कुछ भी न था। अब तो बस इन्हें अपनी बेटी से जुदाई का साफ एहसास होने लगा था। फिरोज और उनकी बेटी लाडली के बीच दिन ब दिन जुदा होने के इसी फासले के बीच तभी एक मददगार पहुंचता है। इस मददगार के गुहार लगाते ही मानो एक बड़ा बदलाव आता है। जिस रुपये की वजह से एक बेटी और उनके माँ बाप जुदा होने जा रहे थे, उन रुपयों की मुकम्मल व्यवस्था होने लगती है। लाडली के इलाज को जुटी यह रकम माँ बेटी और बाप को जैसे पुनर्जीवन देते हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ उस मददगार की वजह से संभव होता है। यह मददगार कोई और नहीं, चास बोकारो की आम आवाम के सुख दुख के साथी गजेंद्र प्रसाद हिमांशु होते हैं। गजेंद्र प्रसाद हिमांशु क्या आगे आए, लाडली की मदद को पूरा शहर आगे आ गया। कुछ दिन पहले तक लाडली के अम्मी और अब्बू के लिए जो अंधेरा सा छा गया था, वह हिमांशु के आते ही इस परिवार के लिए सूर्योदय में तब्दील हो गया। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले। अच्छा लगूं आज नहीं ते बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है, आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे। मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे, और न हम अमिता ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे। हम है सीधे साधे, कभी टैंग कभी ढोंग। प्रसाद हिमांशु एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे। जय किशुन प्रसाद और सुनेना देवी के 5 बेटे बेटियों में चौथे। कर्म और अध्यात्म में पूरी आस्था, बचपन से ही चीजों को सीखने की ललक। जब छोटे थे तब भी लोगों के तकलीफ देखकर कुछ करने की इच्छा मन में जागती थी, पर संसाधन नहीं होते थे। परिवार के सदस्यों के प्यार और डांट के बीच पलते बढ़ते हुए हमेशा काम को प्राथमिकता देना इनकी सोच थी। पैसे की ताकत भले ही इनके पास न थी, लेकिन माँ और पिता का साथ और सानिध्य हर कदम पर मिलता रहा, और जिसने हिमांशु को हमेशा आगे बढ़ते जाने को प्रेरित किया। जन समस्याओं और जन आकांक्षाओं के गहरे लगाव से हिमांशु के मीडिया से जुड़ने की वजह बनी। मीडिया जन समस्याओं को उचित माध्यम तक पहुंचाने को सशक्त माध्यम होता है। इससे देखते हुए दस्तक न्यूज एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े और फिर स्वस्वामित्व वाली डी फोकस चैनल की शुरुआत की, जिस उद्देश्य अर्थात जन समस्याओं और जन आकांक्षाओं के लिए हिमांशु ने मीडिया से खुद को जोड़ा, उसके लिए रात दिन का जोर लगाया।
जन समस्याओं को उजागर किया, विकास योजनाओं के नाम पर चल रहे गोरख धंधे की कलई खोली। इस क्रम में खुद कई एक कठिनाइयां झेली पर सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा और इसी वजह से डी फोकस बहुत ही कम समय में पूरे बोकारो जिला में जन जन की आवाज बनकर उभरा। जन समस्याओं और समाचारों की नब्ज जन जन तक पहुंचाने के अलावा बोकारो में डी फोकस पहला ऐसा स्थानीय चैनल बना जिसमें बोकारो दर्शन जो आगे चलकर भारत दर्शन में तब्दील हो गया का प्रसारण शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की अविश्वसनीय सफलता ने हिमांशु को घर घर से जन जन तक जोड़ दिया। हिमांशु की एक पहल से एक पूरा परिवार लाडली का परिवार बिखरते बिखरते बच गया। लाडली बच गई। गजेंद्र प्रसाद हिमांशु की ओर से लाडली को लेकर लगाई गई मदद की गुहार न पहली थी और न ही आखिरी।